इतने बड़े फील्ड पे हम क्या कर रहे हैं? Hey guys, welcome back to a new vlog. And अभी सुबह के 5 बज रहे हैं एंड मैं पूरा तैयार वगैरह हो चुका हूँ क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ गुवाहाटी. चलो एंड अपने साथ है बकर दी एंड हम आज जा रहे हैं होरोजा स्टेडियम. कुछ गेम वगैरह है हम देखने के लिए जा रहे हैं. तो गाइस फिलहाल अभी हम यहाँ पे बस का इंतजार कर रहे हैं और ये देख सकते हो बस ही बस है. आगे बस गई और बस की इंतजार आगे बस पीछे बस, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम इंतजार कर रहे हैं बस का. सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके होरोजा स्टेडियम एंड यहाँ पे कुछ गेम वगैरह होने वाले हैं एंड हम उसको देखने वाले. मैं इस फील्ड पे मतलब लगभग आता ही रहता हूँ मगर इस फील्ड पे ना मेरे को व्लॉग बनाने का उतना ज़्यादा मूड ही नहीं करता है, पता नहीं क्यों. दिस इज द स्टेडियम जो कि मैं थोड़ी देर में अंदर से भी दिखाने वाला हूँ. एंड इस वाली फील्ड पे आके ना कुछ ऐसी घर वाली फीलिंग आती है, आपको बता नहीं सकता. मेन गेट है इंदिरा गांधी स्टेडियम का गेट, मतलब यहाँ से ऑफिस जाता है ना. अभी हम यहाँ से बैक स्टेडियम पे जा रहे हैं जो कि प्रैक्टिस ग्राउंड है इस तरफ. एंड ये स्टेडियम है जिस स्टेडियम पे कुछ दिन पहले इस असम का सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था. इतने तो बहुत तथे फिलहाल. एंड गाइस फिलहाल के लिए यही है हमारी दुनिया एंड देख सकते हो यहाँ का नज़ारा. भाई यहाँ पे आके ना ऐसी फील लगती है बस बता नहीं सकता आप लोगों को. एंड हम अभी ऊपर जा रहे हैं गाइस. वेलकम. वाओ. एंड हम अभी ऊपर की तरफ आके बैठ गए एंड यही है वो स्टेडियम जहाँ पे असम का सबसे बड़ा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है गाइस. एंड इतने बड़े बन पे मैं आना चाहता था मगर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं नहीं आ पाया. एंड असम के जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं सब यहाँ पे मौजूद थे एंड उनसे मिलने का मौका मैंने एक बार खो दिया है. लोग कैसे देख रहे हैं मेरे को व्लॉग शूट करते हैं, मेरे को बुरा लग रहा है गाइस. क्यों बेटा? और गाइस नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो क्योंकि अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं करीब एक साल से वीडियोस डाल रहा हूँ लेकिन मैंने यूट्यूब पे कभी सीरियस था ही नहीं. मैंने कंसिस्टेंटली कभी वीडियोस अपलोड किए ही नहीं मगर अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैंने कुछ दिनों से मतलब हफ्ते में एक वीडियो आ ही रहा है. एंड अगर मेरी वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करो वरना अपन तेरे को ठोक डालेगा. कौन है वो महान आदमी जो इतने बड़े स्टेडियम के बीच में ये कपड़ा सुखा दिया? अरे बाबा कौन है बताओ. पता चल गया अभी नहीं करने वाला शायद से वो. इतने बड़े फील्ड पे हम क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं गाइस और इसको अपनी बंदी से बात कर करीब 3 घंटा हो चुका है गाइस. हाँ ये अपनी मतलब वीडियोस में लोग घर वाले देखेंगे तो गाली देंगे इसलिए ये बोल रहे कि दोस्त है. कोई बात नहीं हम नहीं बताएंगे तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है. तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है. गर्लफ्रेंड ही नहीं है, ये सिंगल है गाइस. हाँ ये सिंगल है. हे दीपाकर की गर्लफ्रेंड अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको ठोकना ठीक है. हे इज द फार्म. अभी हम हैं अपने मेन स्टेडियम के बीच में. भाई यहाँ पे आके एक अलग ही जोश मिलता है एंड यहाँ पे आके दौड़ने का मन करता है गाइस. सूटिए गाइस लाइक करे फॉलो करे. पुष्पराज झुकेगा नहीं साला. और गाइस अभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं एंड इस रास्ते पे हमने हम पहले कभी नहीं आए एंड
क्या नजारे देख सकते हो। कावड़ी और वो बड़ा सा फुटबॉल मैं खेलूंगा। हाय हाय शर्मा गई का फोन काटी मम्मी आ गई का। और पहुंच चुके ऊपर गाइस सबके ऊपर दिस इज आवर होम गाइस। और कुछ ही टाइम पे यहाँ पे गेम भी स्टार्ट होने वाला है एंड इसका सिर्फ इंतजार कर रहे हैं एंड देखते हैं कि क्या होता है क्या सीन होता है गाइस। ये देखो पूरा वीआईपी चेयर्स जो कि यहाँ पे मकरी का जाला हो चुका है क्योंकि यहाँ पे शायद से बहुत टाइम से लोग यहाँ पे बैठे नहीं है। किधर है स्पाइडरमैन किधर है ये छोटा छोटा स्पाइडरमैन। ये सब वीआईपी वाला शेयर है गाइस एंड लुक एट द फील्ड। मैं बार बार यही फील्ड को ही दिखा रहा हूँ कभी खुद को भी दिखा लिया करो थारा भाई जोगिंदर। गाइस सुबह 5 बजे आया था एंड कुछ खाने का टाइम भी नहीं मिला था तो सोचा था यहाँ पर ब्रेकफास्ट मिलेगा बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी नहीं है तो फिलहाल अभी हम कुछ बाहर जा रहे हैं कुछ खाने के लिए पता नहीं क्या मिलता है एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे आसपास कोई होटल्स वगैरह भी नहीं है एंड देखते हैं। सड़क पर दुकान है सड़क पर। हाँ रोड साइड पे कुछ टपड़ी वगैरह है वगैरह टपड़ी वगैरह तो वहाँ पे कुछ मिलते हैं ना मिलते हैं कि नहीं मिलते देखते हैं। सो गाइस हम यहाँ पे आए हैं हम यहाँ पे अभी पराठा खाने वाले हैं एंड वो दो हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं। तैयार है कपड़े नीचे से हाँ कपड़े पहन रहे हैं पराठे अपने पराठे कपड़े पहन रहे हैं एंड यहाँ पे कोई होटल वगैरह नहीं है तो यहाँ पे बहुत लोग इंतज़ार कर रहे हैं भैया के पराठे का। गुवाहाटी में ऐसा जुगाड़ कहाँ मिलेगा चलो खाते हैं। कोई अच्छा सा दे दे भाई 10 रुपए वाला क्या है और यही है क्या खा रहे हो। हम बर्फ खा रहे हैं गाइस बहुत गर्म है ठंडा है नहीं गर्म आसमान में है ठंडा बर्फ है साथ में एक बादाम का पैकेट और कोमला बर्फ खा रहा है बहुत मज़ा आ रहा है। और गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं स्टेडियम पे और यहाँ पे गेम स्टार्ट हो रहा है गाइस सही टाइम पे पहुँच गए। सो गाइस हम दोनों यहाँ पे पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग गेम खेल रहे हैं एंड हम इधर से उधर घूमते जा रहे हैं पता नहीं क्या करेंगे एंड यहाँ पर भी गेम चालू है एंड यहाँ पर भी सॉरी गिर गया यहाँ पर भी गेम चालू है एंड आई डोंट नो क्या करेंगे सिर्फ गेम देखने आए गाइस। सो गाइस अभी लगभग 11 बज रहे हैं एंड हम जिस काम के लिए थे वो हो चुका है। एक्चुअली आज जो यहाँ पे गेम था हम दो छोटे बच्चों को यहाँ पे लेके आए थे हमारे साथ एंड और दिल्ली से दो सर आए थे हमने उनसे भी मिल लिए एंड सर के सामने वीडियोस करने में मतलब घबराहट होती है थोड़ी सी इसलिए हम वीडियो नहीं किया इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया एंड फिलहाल अभी हम घर जा रहे हैं गाइस।